जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत शुक्रवार को नगर पालिका परिषद अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत की अध्यक्षता व विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में भव्य कलश यात्रा बद्री विशाल मंदिर से निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुषों द्वारा नागरिकों को जल संरक्षण का संदेश देते हुए जल ही जीवन है, जल है तो कल है के नारे के साथ नागरिकों को जागरूक किया। कलश यात्रा बद्री विशाल मंदिर से दीनदयाल चौक से कन्याशाला चौराहा एमजी रोड होते हुए कृषि उपज मंडी में समारोह के रूप में समाप्त हुई। इस दौरान कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया, साथ ही नुक्कड़ नाटक कर जनता को जल संरक्षण व पानी के सदुपयोग के बारे में जागरूक किया गया। अभियान के तहत कृषि उपज मंडी में बावड़ी में श्रमदान कर सफाई की गई। समापन समारोह में जनप्रतिनिधियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सुल्तान सिंह शेखावत, नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत, नगर पालिका सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, जिला महामंत्री धर्मेश जायसवाल, जिला उपाध्यक्ष बबीता रघुवंशी, मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन सभापति व जिला सह मीडिया प्रभारी प्रकाश जैन ने किया। आभार नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद शर्मा ने माना। इस अवसर पर सुबोध स्वामी, सभापति गौरव यादव, संध्या जोशी, उषा यादव, बिट्टू यादव, सतीश केतवास, विजय सिंह सिसोदिया, हरिकिशन लोहरवाल, जगदीश मोहता, छोटे मल्ला, रूपम ठाकुर, नगरपालिका सहायक उपयंत्री रविंद्र मंडलोई, नीलेश पंचोली, सृष्टि गुप्ता, कन्हैयालाल चौहान, राकेश पवार, ललित दास पंथी, रईस कुरेशी, कुशल धोलपुरे, सुमित्रा शर्मा, सृष्टि खरे, डाली भार्गव आदि जन उपस्थित थे। यह जानकारी संदीप चौहान द्वारा प्रदान की गई है। पानी है बचाना भैया, हमने लिए ठान, जरा कहना मान लो रे भैया, कहना मान लो, ओ कहना मान लो रे भैया, कहना मान लो वाला है, इसीलिए पानी के बचाना है, समझे कि नहीं? तुम्हारा केवा का मतलब कई बार है, केवा को मतलब इतना सा है कि हमें जल को बचाना है, पानी के महत्व को समझना है। और इस जरूरी क्यों है? क्यों? क्योंकि पानी है, एक बार खाना नहीं खाएंगे चल जाएगा। हाँ। पर पानी अपने इंसान को बहुत जरूरी है। हाँ। सही कह गया है, बात तो सही है। हाँ। इंसान में नहीं, बात तो सही है, ठीक है नहीं? हाँ, रोटी भी मिलेगा तो चलेगा। अब एक बार भैंस के तो जरूरत नहीं लेना, वहाँ पे भैंस के लेगा, हाथ में बताएगा तू तो हाथ में जाएगा तू लेके ओके जा तो जल तो करवा यार जा। बात तो सही है यार, पानी कहाँ से लेके आवा? मोटर चालू कर, तू भी कवार में भी कवार, चल चलो चल प्यारे। अरे भैंस आई नहीं, चल चलो चल मारी राम प्यारी। अरे तू भी कवारी मैं भी कवारो, चल चल राम राम साहब, राम राम, राम राम दादा। क्या बात है, भैंस को मिला रहे हो, क्या बात है? अरे तो भैया 3 लाख की भैंस है। 3 लाख की भैंस है? बोरिंग से दे रही हो तो बोरिंग से मिला रहा हूँ, डायरेक्ट मतलब पाइप लगा रहे तुम नाइट के ऊपर। चकाचक कर दी, चकाचक कर दी। एक बात बता, तूने ये भैंस पे कितना पानी डाले होगा? कम से कम 2-3 दिनों, 2-3 मतलब 50-60 बाल्टी डाल दी, ज्यादा ज्यादा। तो वहाँ लगाएगा हाट में, हाट में लगाऊंगा एक हाट में लगाए। तो यार 5 बाल्टी में धुल जाती सारी भैंस की राम प्यारी। अरे 5 बाल्टी कैसे धुल जाते हैं, 3 लाख की भैंस है। पानी मेरे को डूबता दिखेगा, जहाँ जहाँ नल खुलता दिखेगा, फालतू मुझे वहाँ आपत्ति होगी, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। ये तो मेरा घर का बोरिंग है, घर का हो या बाहर का हो, पानी तो पानी होता ना। तो इसको आप 5 बाल्टी में ला लेते हैं, आपके नाम मतलब 5 बाल्टी काम 1 बाल्टी में करो, करो नहीं जितनी आवश्यकता है उतना पानी का उपयोग करो, व्यर्थ मत करो, व्यर्थ मत करो। पूरा समझो हमारे, समझो सारे। 5 बाल्टी काम 1 बाल्टी में कैसे करूंगा? तो उठा रहे तो 1 बाल्टी एक ऊपर डाल दो, डाल दे बढ़िया, बढ़िया कपड़ा साफ कर दो, 1 बाल्टी और डाल दो, ठीक है, 1 बाल्टी और अच्छा चकाचक कर दे तो बढ़िया, सरसों को तेल लगे जो पूरी के अगर लगा दे तो कैसी चमकन चमकती थारी भैंस। पहले दे देता हमारे। अरे तो भैया ज्ञान, ये ज्ञान अपना लोग सुनेगा, अगर ये सब बात मान ले तो अपने उज्जैन में और नागदा में नल आ रहे हैं, पानी बह रहा है, टोटी नहीं है, सब गायब है। हालत अपन ने कितना गांव में कार्यक्रम किए हैं, नुक्कड़ नाटक 200-300 गांव जगह करे ना, करे करे पाइप है, चलते ही रहे तो पाइप हो जाए। तो हमें इस चीज को समझना है
कि हमारे जीवन में पानी का अरे भाई क्या भाई वही था काम तो हमारे जीवन में हमको पानी के महत्व को समझना है, हर व्यक्ति को समझना है कि हमें पानी कैसे बचाए। क्योंकि अगर एक बूंद पानी के महत्व बहुत ज्यादा महत्व रखती है। तो ये जल गंगा संवर्धन जो अभियान है, हम यहाँ पर आए थे आपके लिए कि हम और पानी को हमें कैसे कैसे बचाना है। भाई गड्ढा खोदते हैं उससे पानी अंदर जाता है, मिट्टी डाल दे जैसे कि घर में आसपास गंदगी ना रहने दे, क्योंकि गंदगी हमें कहीं के तकलीफ देती है। दो नुकसान, पानी को चलता बहता रहता है हमेशा। अगर बरसात का पानी भी बचा सकते हैं। कैसे बचाते हैं? अरे उसके लिए क्या करो कि एक पाइप लगाओ, चद्दर में ठोक के नीचे लाओ, गड्ढा कर दो, उसमें रेती बालू सीमेंट डाल दे, सीमेंट नहीं डालनी वो तो पक्को गिट्टी डालनी और रेती डालनी है। सारा पानी बरसात का पानी अंदर चला जाएगा तो पानी का नीचे से जलस्तर बढ़ेगा, जलस्तर बढ़ेगा तो कभी कमी नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी। हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम नुक्कड़ नाटक समाप्त होता है।